यही की तो एक नेशनल पार्टी भी बनी नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय कॉर्नर सगमा इन्हीं की नो पार्टी है तो कहा के मेघालय के फिर से सीएम बन गए हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है ठीक है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य में चलिए आई होप कि आपको आवाज़ में क्लियर अब हो गई होगी कोई सूझ नहीं आ रहा होगा क्लियर हो गई होगी सभी लोग का आवाज़ आ रही होगी क्लियरली अब एक बार बता दीजिएगा सर आवाज़ क्लियर आ रही है ठीक हो गया सर ओके थैंक यू थैंक यू कनिका जी आपने अपना रेज किया अदरवाइज क्योंकि ऑलरेडी एक टैब चल रही थी नीचे से जिसके कारण ये वॉइस ओवर आ रही थी दूसरा चलिए इसको मीट कर दे चलिए ये देखिए क्या हुआ बीपीए मंगलवार को यानी बीपीएससी आज के दिन में आपको बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में बैठक में फैसला लिया गया इसके बाद भी शिक्षक भर्ती में सर तीन लाख नब्बे हजार आपको मैंने बताया तीन लाख नब्बे हज़ार बी एड के कैंडिडेट रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है अब सिर्फ डीएलएड का जो कि रिजल्ट आपका चौदह तारीख को यहाँ पर बताया जा रहा है चौदह एक लाख है, है। परीक्षा हो गई है ऑलरेडी रिजल्ट का इंतजार में है। एक से पांच के व्यक्ति की संख्या जो रहा है आपको बताया है तीन लाख नब्बे हजार बी एड वाले हैं उत्तीन परीक्षा में हिस्सा लिया था जिससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच मंगलवार को बैठक हुई थी जो की आज का बैठक हुआ इसका आ, अलग अलग न्यूज वालों ने अलग अलग सारे चीजें डाल रखा है ये सारे चीजें आपको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ आपको भी मैं बता देता हूँ रीजन आई होप की क्लियरली आवाज आ रही हो सर यस सर ओके चलिए नेक्स्ट है आपका ये देखिए ऐसा ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार करते हुए आपका जो राजस्थान का आपको आया था 11 अगस्त 2023 को अगस्त को आया था समाप्त कर दिया गया है। इस को बाद बी डिग्री वाले छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे इसी जो फैसला आया तब से बीटीसी यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होता है यानी डीएलएड या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा

बी एड और बी टी सी के रिगार्डिंग आपका चर्चा हुआ है 125, के लिए, के लिए, जो कि आपको मैंने बता दिया आपको बी एड पूरी तरह से यहाँ से बाहर कर दिया गया है जो कि पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड था फिर से इन्होंने एग्जामेशन इतना एग्जामिनेशन ले लिया उसके बाद डिसाइड किया रीजन आपको सभी लोग को पता है कि ताकि आपको सेवन फिफ्टी रुपीज है वो आप वापस ना मांगे काफी परेशानी हुआ नो डाउट लेकिन आने वाले टाइम में एक खुशखबरी भी है और ये खुशखबरी क्या है बीएड वालों के लिए कि सिक्स टू एट का वैकेंसी आपको आएगा जिसमें से कोई भी आपको नहीं बाहर करने वाला है कितनी संख्या है क्या है सब इसमें आगे हम देख जानने की कोशिश करेंगे चलिए आगे जाने की कोशिश करेंगे एक सेकेंड का वोट दीजिएगा चलिए एनी हाउ आपको क्लियरली जा रहा होगा सभी लोग को सर क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा क्वालिटी चेक कर लीजिए ओके मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा क्वालिटी एक मिनट आई पे अभी क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा लाइटिंग का इशू हो सकता है तो उसमें आपको पब्लिंग आ रहा है जो मेरे बातों को आप सुन रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा सर आ, मेरिट में भी कॉमन में ही बनेगा नहीं कॉमन नहीं बनेगा से आपका बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल बारह तक के कई विषयों पर रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो इन लोगों का जो चर्चा चल रहा है नाइन्थ से ट्वेल्थ वालों के लिए खास जाते हैं नाइन्थ से ट्वेल्थ वालों की जितनी की संख्या है उन पर ही सारा चीज है लागू होगा वन टू फाइव में कोई भी 75 नहीं होगा पूरा भरे जाएंगे इसमें पूरे भरे जाएंगे पूरे सीट क्योंकि की संख्या ज्यादा है थ्री पॉइंट एट लाख इनकी संख्या है थ्री पॉइंट एट लाख इसमें से अस्सी हजार निकालना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं लेकिन इन लोगों में खास करिए नाइन्थ से टेंथ और नाइन्थ से ट्वेल्थ वालों की संख्या कम है इसमें से 75 परसेंट का चर्चा होगा और 75 परसेंट किस तरह से लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग सेपरेट इस मैंने वीडियो बनाया है उसको जाकर के देख सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं होगा चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट इस तरह से है बी अभ्यर्थियों को बीएड आई होप के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा चलिए यहाँ पर देख लीजिए

इसको कक्षा के, मतलब तो उत्र, के लिए, अच्छा लिए नियुक्त नहीं होगी ये तो कन्फर्म था तो पहले से ठीक है अब ये हो सकता है कि सी पास बी एड अभ्यर्थियों को मध्य शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ देने की योग्यता हो योजना बन जाए हालांकि अभी यह कहा नहीं जा सकता जब की शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से कुछ न, ज, ज, जारी कुछ जारी नहीं करता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमेशा रिजल्ट के बाद होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि वन टू फाइव के लिए नाइन्थ से टेंथ अलेवेंथ से ट्वेल्थ में उल्टा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया गया क्योंकि उनकी संख्या कम है जो जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छटते हैं उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है नाइन्थ से ट्वेल्थ अलेवेंथ से ट्वेल्थ वाले में लेकिन इसमें अभी जो चांसेज है आपका रिजल्ट पहले प्रकाशित होगा मैंने इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना करके बताया गया था पहले रिजल्ट होगा रिजल्ट जो क्वालिफाइड करेंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है या जो भी आपका कट ऑफ है उससे आप नंबर ज्यादा लाते हैं तो इन लोगों को डीबी के लिए कॉल आ जाएगा अदरवाइज क्या होगा थ्री पॉइंट एट लाख का डीबी कराना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी आप देख सकते हैं एक लाख की संख्या ही है मात्र है एक लाख एक लाख की संख्या है नाइन्थ से टेंथ और नाइन्थ से टेंथ अलेवेंथ से ट्वेल्थ वाले के लिए इसमें की संख्या बता रहा है, है, इसमें और यहाँ फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू इतनी वैकेंसी थी ये दोनों मिला करके आपको हो गया था लगभग एक लाख के आसपास एक लाख इनको इन लोगों को डीवी कराने में कितना टाइम लग गया तो ग्यारह दिन का टाइम लग गया आज आपका अपडेट कर दिया गया है आपका दो दिन और बढ़ा दिया इसको एक्सटेंड कर दिया गया आज चार से लेकर के चार सेप्टेम्बर से लेकर के बारह तक था इसको एक्सटेंड करके अब चौदह तक कर दिया गया चौदह सेप्टेम्बर तक कर दिया गया ग्यारह दिन टाइम लग गया तो सोचिए कि अगर थ्री पॉइंट एट लाख लोग जो कि डी वाले थे थ्री लाख को अगर वो डीवी के लिए कॉल करते तो उनमें कितना टाइम लगता है एक लाख का लगभग तीन से चार गुना मान लीजिए कम से कम तीन गुना को कॉल करेगा तो तैतीस दिन चला जाएगा तैंतीस दिन यानी कि पूरा एक महीना आपका अक्टूबर पूरा खराब चला जाएगा इसलिए पहले रिजल्ट प्रकाशित होगा और जो लोग सिलेक्टेड हो गए मान लीजिए अस्सी हज़ार है तो ऑलमोस्ट उसका ढाई डेढ़ गुना के आसपास पास एक लाख बीस हजार के आसपास एक लाख के आसपास ही कैंडिडेट बचेंगे उनका डीवी के लिए कॉल आएगा इसलिए ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं अब कट ऑफ तो क्या होगा इस पर बातें करेंगे सर ट्रिपल आर सर नहीं दिख रहा है अभी भी आपको नहीं दिख रहा है आयो कि क्लियरली एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वालिटी एक मिनट में चेक कर लेता हूं शायद आपको दिख रहा होगा अभी क्लियरली बता दीजिएगा चलिए एनी हाव थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा अगर कोई ज्यादा दिक्कत आती है तो आती है तो ठीक है ओके सर ठीक है सभी लोग को कोई सूझ कोई सूझ नहीं आ रही रिफ्लेक्शन साइड आ रहा होगा लाइट का चलिए अब नेक्स्ट बात पर करते हैं आपका जो रिजल्ट प्रकाशित कब होगा किस डेट में होगा अलग अलग टाइम है सभी लोग अलग अलग आपको डिसाइडेड रहेगा इस तरह से आपको देख सकते हैं चलिए आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा सर कट ऑफ कितना होगा सर इस पर बातें करेंगे एक मिनट आप टाइम दीजिएगा ठीक है एक मिनट का टाइम दीजिएगा चलिए सभी लोगों को दिख रहा होगा अगर जो बातें अगर नहीं दिख रही हो जो है शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको क्लियरली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा देखिए आपका जो रिजल्ट पर ये सारी चीजें आपका स्लाइड है रि रिजल्ट के रिगार्डिंग यानी आपका रिजल्ट कब होगा इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इसमें पच्चीस सेप्टेबर तक आपका से 10, 9 से नाइन्थ या 11 से वाले हैं सभी का रिजल्ट प्रकाशित होगा आपका नाइन्थ से टेंथ से ट्वेल्थ जितने भी लोग हैं इनका रिजल्ट आपका पच्चीस से पच्चीस से लेकर के बताया जा बता रहा है पच्चीस हो जाएगा यानी बाईस से पच्चीस कई जगह अलग अलग बता रहे हैं दो दिन आगे पीछे हो सकता है पच्चीस तक आपको देखते हैं न, 11, न, 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 से ट्वेल्थ तक का रिजल्ट प्रकाशित रिजल्ट होगा निर्धारित व्यक्ति जो सेवेंटी फाइव परसेंट रिजल्ट देने की तैयारी की है वैसे कक्षा नाइन्थ से ट्वेल्थ तक अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है आपका पच्चीस सेप्टेम्बर तक जारी होगा इस माह के अंत तक एक से पाँच तक का रिजल्ट दिया जाएगा ये सेम चीज़ है मैंने आपको फिर से कस, काट किया है नाइन्थ से ट्वेल्थ का अभ्यर्थी में आपका शामिल होने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच कराने की अंतिम तिथि आपको बारह से लेकर के चौदह तक बढ़ा दिया गया इसको मैंने चर्चा ऑलरेडी कर रखा बी पी एस सी के संयुक्त आपका सूचना जारी किए गए इस संबंध में बीपीएससी के संयुक्त सचिव परीक्षा के नियुक्त सत्या सोमवार को सूचना की गई थी चलिए इसके देखते हैं आने वाला डीए है देख सकते हैं ये आपका गुड न्यूज है जो लोग का बीएड वाले खास है, या फिर किसी लोगों का किन्हीं लोगों का ये है कि बी वाले या फिर किन्हीं लोगों का जिनका नंबर कम आया है? नंबर इस बार कम आया है नंबर कम आया है? 30 से बिलो वाले हैं 20 से बिलो वाले हैं जितने भी लोग हैं 20 से बिलो या फिर uh, 30 से बिलो वाले नंबर है तो उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से आपके हाथ में आने वाली है वो है बीपीएससी टी आर ट्यू का वैकेंसी अगली जो शिक्षक आगामी जो है विज्ञापन आपका अक्टूबर में देखने को मिलेगा अक्टूबर में इसके एग्जामिनेशन हो जाएगा नवंबर में यानी आपको टाइम बहुत कम मिलेगा कितनी संख्या होगी अभ्यर्थियों की संख्या आपको आपका लगभग डेढ़ लाख के आसपास बताई जा रही है डेढ़ लाख अगर इसमें आपको अगर जिन लोगों का ये दोनों सिचुएशन से एक तो बीएड वालों का एक जिनका है जिनका नंबर कम आया है थर्टी या फिर ट्वेंटी से भी आ रहा है ये सारे लोग को मैं बताना चाहूंगा एस का एस का आप बुक को पढ़ना शुरू करिएगा क्योंकि बुक सारे क्वेश्चन वहीं से आया है तो बस उसको घुमा घुमा कर बताइएगा कॉन्सेप्ट अगर आप जाएंगे तो सिक्सटी नंबर सेवेंटी नंबर या सेवेंटी परसेंट लाना दट नॉट अ बिग टास्क फॉर यू और उतना नंबर ले आते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आपका हो जाएगा सिलेक्शन तो आप एस सी आर टी का सिक्स से लेकर के टेंथ तक का या ट्वेल्थ तक का आप पढ़ना खुद से सेट्रिक कर सकते तो कर लीजिए अदरवाइज मेरे ही चैनल पर प्ले बना हुआ है कुछ का कुछ का प्ले नहीं बना हुआ है उसको जाकर के आप गो थ्रू करना शुरू कर दीजिएगा गो थ्रू करना शुरू कर करिएगा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा और एस सी आर टी का मैंने ई बी एस का या अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैं आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों का कम नंबर आया है या सभी का सिक्स लेकर के टेंथ तक का मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम चैनल में एटी ग्रोइंग इंडिया के नाम से सर्च कीजिएगा इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा वहां से जाकर आप ले सकते हैं चलिए नेक्स्ट वो टॉपिक पर कवर करते हैं आपका ब्रेकिंग न्यूज देखिए अलग अलग साइज का है टू में के लिए जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा बीएड वाले का रिजल्ट प्रकाशन नहीं होगा ठीक है ये सारी चीजें हैं सर फ्रीडम फाइटर का संतोष कुमार का आपका 51 नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आपका चांसेस 100% परसेंट हो जाएगा कट ऑफ का कितना रहेगा सर अब मैंने आपको बताया अभी आपको इसको चर्चा करता हूं चलिए ओके चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं ये सेम चीज है आपको आ रही है अलग अलग न्यूज का ये निकल करके आ रही है चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन के साथ के के, के पाठक की मीटिंग है सितंबर के आज आएगा डीएलएड का रिजल्ट अक्टूबर में आपका जो है द्वितीय चरण की बहाली का आएगा विज्ञापन नवंबर में परीक्षा के होने की संभावना है बी एड अभ्यर्थियों को फिलहाल नहीं होगा कोई फैसला यानी कि बी एड को कोई जारी नहीं होगा बी का तो इसमें आपको बी वाले जो सिक्स टू एट में है आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा सिक्स टू एट में चलिए इसके रिगार्डिंग यही था कटअप के रिगार्डिंग वही रहेगा मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था आपको वन टू फाइव के लिए जो कट ऑफ होगा मैं बीएड को पहले से बाहर इन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बाहर करके मान के चल रहा था तो ये कट ऑफ आपका डिसाइडेड रहेगा अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो फिफ्टी फोर से लेकर के सिक्सटी के बीच में जाते हैं इवन एक दो नंबर और भी कम हो सकता है और फीमेल जाते हैं तो फिफ्टी से लेकर के फिफ्टी फिफ्टी uh, फाइव के बीच में आपका रहने के चांसेज है अगर आप ई डब्ल्यू एस में रहते हैं तो आपका फिफ्टी फोर्टी फाइव से लेकर के फिफ्टी तक आपका रहेगा और फीमेल कैंडिडेट है फोर्टी टू से लेकर के फोर्टी एट के में बीच में रहेगा आप कहेंगे सर मिनिमम मार्क्स यहाँ पर फोर्टी एट है तो इसको कम रहा है क्योंकि जो आपका जो जिन लोगों का 65 या 70 प्लस चला जाता है ई में चाहे मेल हो या फीमेल वो सारे अनरिजर्व कैटेगरी के, के लिए मेल के जो है आपका सीट उसमें चले जाएंगे तो ई का जो 4000 के आसपास सीट है 4006 वो सभी लोग इसी में जाएंगे इंक्लूडिंग हिंदी उर्दू और बंगाली तीनों लोग का 4006 सीट है मेल के लिए बता रहा हूँ फीमेल का अलग है थर्टी समथिंग के आसपास है वो भी चार के आसपास है ओबीसी का आप देख सकते हैं और इसमें दो लेयर आएगा नो अड़तालीस से पचास या फोर्टी एट से लेकर के आप लेते हैं फिफ्टी टू तो आपके चांसेस पूरी तरह से बनते हैं अगर आप फीमेल कैनडीडेट है तो चालीस से पैंतालीस तक रहेगा एस कैटेगरी के अगर जाते हैं तो आप मेल के लिए आपको फोर्टी से लेकर के फोर्टी से लेकर के फोर्टी तक रहेगा अगर आपका फीमेल रहे तो के रहेगा तो चार नंबर कम करके आप देख लीजिएगा थर्टी से थर्टी तक रहेगा एस कैटेगरी में सीटों की संख्या कम है इसलिए मैंने इसका ज्यादा रखा है फोर्टी अगर रहेगा मेल प्लस माइनस आप ले सकते हैं दो चार और इसमें फीमेल के रहेगा थर्टी नाइन फ्रीडम फाइटर और अभी आपने जिससे क्वेश्चन किया है फ्रीडम फाइटर या याविस मैन है या फिर फिजिकल फिजिकलडीक्राफ्ट है थर्टी टू प्लस आप ले सकते हैं थर्टी प्लस आप फीमेल जितने भी है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं यानी अभी जो है सिचुएशन ये पीआरटी का जो सिचुएशन है इसके हिसाब से कर सकते हैं थर्टी प्लस वाले का जो कैटेगरीज में है पी में है ये सारे लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस है सर so, चुनावी मुद्दा बनकर करके चल रहा है नीतीश बाबू ये ये सोच नहीं चाहिए ये सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल ऐसा है सिचुएशन आपको पहले मैंने बताया ये बोर्ड की राजनीति है डेढ़ लाख जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल रहा है या वन पॉइंट सेवन नाइन वैकेंसी है उनको पोर्टफोलियो में ऐड करना है आने वाले जो इलेक्शन में वो प्रचार करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे वो इसके बेसिस पर ही आपको वोट्स मांगेंगे आपको मांगेंगे तो आपको इस आप अपना Uh, हिसाब से आप देख लीजिएगा उन किन को वोट देना है या नहीं देना है वो अलग बात है ठीक है ईबीसी में उर्दू में फोर्टी फोर्टी फाइव है सर एम डी दाने से आपका चांसेज है पूर, पूरी तरह से उर्दू में आपका चांसेस है चलिए ये सारे रहेंगे इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं ज्यादा ज्यादा लॉन्ग बनाने से कोई फायदा नहीं है सब अपने अपने सेटिंग में जिन लोगों को लो है क्वालिटी कम आ रही है मैं भी अपने फोन में देख रहा हूँ तो आप जाकर के सेटिंग में यहाँ पर जाकर करके कीजिएगा तो वन फोर हंड्रेड या थ्री थर्टी से आप मेगा पिक्सल आप जो होता है उससे ज़्यादा हम देखेंगे तो क्वालिटी अच्छी आ रही है जो कनिका सिंह का जो इशूज था मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये इशूज है आपका अपने सेटिंग में जाकर के चेंज कर लीजिएगा क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही कोई डीप नहीं हो रही है सर जनरल का कट ऑफ क्या होगा सर जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं जनरल एक्चुअली है कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी हो सकता है या फिर EWS हो सकता है उसी को करके EWS बनाया गया तो जी आप देख लीजिएगा पीछे आपको बनाया गया ओ एमआर सीट कब तक आएगा ओ एमआर सीट आपके प्रकाशित होने की संभावना है कि तेरह से लेकर के अठारह के बीच में आपका यानी कल से स्टार्टिंग में होने की संभावना है फोर्टी में ओबीसी में आपका सर चांसेज है पूरी तरह से यस चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है रत्न वर्मा रत्न बर, रत्न वर्मा की जी का सर यूपी से फीमेल में फिफ्टी फाइव में डी एल एड है कोई है या नहीं है सर बिल्कुल आपके चांसेस है आपका फिफ्टी फाइव प्लस जितने भी लोग हैं यू आर कैटेगरी में आपका कोई दिक्कत नहीं होगी आओ हो, जो फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेलगंटी दबा लीजिएगा कोई इशूज आपका आता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको आप कॉन्सन कर सकते हैं कई लोग इस पर कॉल कर देते हैं रात के दो बजे एक बजे आपको कॉल पिकअप नहीं होगा मोबाइल ऑलरेडी साइलेंट में रहेगा तो आप उसमें नहीं मानेटी फोर इंटू सेवन रहता है की संख्या है मेरे पास जो कि सिर्फ अभी एक लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए आप इसमें नहीं उतना आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना है लेकिन हाँ ग्रुप में आप जब ज्वाइन किए क्योंकि हंड्रेड प्लस आपका यहाँ पर ग्रुप है टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में अलग अलग दो ग्रुप है जिसमें एट्टी किसी में फिफ्टी या फिर आपका है तो जिसमें आप एड हो जाइएगा ग्रुप में आप क्वेश्चन कीजिएगा तो कोई ना कोई आपको जवाब उसी में आपको मिल जाएगा आपको एक दूसरे को हेल्प करना है सर मेरा एस एस टी में फिफ्टी एट है फीमेल में क्या होगा चांस आपका हो जाएगा मैडम कोई दिक्कत नहीं है नाइन्थ से ट का कट ऑफ बता रहे हैं सर बिल्कुल नहीं ये वन टू फाइव का सर विजयन टू फाइव का मैंने बताया क्योंकि वी वन टू फाइव का ज्यादा क्वेश्चन आ रही थी मेरे पास ठीक है इसके इस, साथ इस वीडियो को ये भी वाइंड अप करते हैं सब बुकलेट नंबर में डी लिखा दिए हैं एक क्वेश्चन में देख लेता हूँ नंदन कुमार सर, लेकिन गोला नहीं रंगे हैं तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा सर आपको गोला रंगना चाहिए था हालांकि आपको एक मिस्टेक आएगा इस से मिस्टेक को अगर वो बीपीएससी कंसीडर नहीं करता है तो आपका रिजल्ट में कोई इशू नहीं आता है और जिन लोगों का खासकर अगर रोल नंबर में मिस्टेक किए हैं बॉबलिंग करने में रोल नंबर में उनका इशू हो सकता है इसमें थोड़ा चांसेस कम है आपका 50 70 परसेंट चांसेज है आपका रिजल्ट दिया जाएगा कोई इशूज नहीं होगा सर मेरा बताइएगा 57 में 58 में चांसेस है सर वेल डन सर ट्रिपल आर वेल डन आपको भी ट्रिपल आर के लिए वेल डन ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए और जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित होगा उसके बाद जेल में होगा हो सभी लोग से आप सब लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे चलिए कहाँ मिलेंगे कहां, कैसे मिलेंगे आप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हम पूछ लीजिएगा ठीक है इसी के इस साथ इस वीडियो को आप प्रेप, आपको प्रिपरेशन करना है, उसके करना है तो आप उसके पूछ सकते हैं मिल जाएगा पिछले जितने भी वीडियो बनाया है आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट अभी फिलहाल यूज करना शुरू करिएगा क्योंकि आपका जब रिजल्ट आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अक्टूबर में अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा फिर से आपको टाइम नहीं दिया जिस तरह से आपको स्टेट का खेला आपने देखा है अभी स्टेट वाले को साथ आपने खेला देखा है और हम लोग के जो पी, आप लोगों ने एग्जामेशन लिया टीआरडी का भी खेला आपने देख लिया ये आपका प्रूफ दोनों मिल चुका है क्वेश्चन लेवल आपको पता चल चुका है किस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं और उनको अगर सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन इजी पूछेंगे अगर सिलेक्शन लेना है यानी कि आपको बहाली करना है वन टू फाइव में ज्यादा संख्या हो गई थी इनको सिलेक्शन लेना नहीं था और एक्चुअली छठ नहीं करना था यानी बहुत सारे लोगों को बाहर करना था तो इनका क्वेश्चन लेवल आप सबसे ज्यादा पूछेगा तो टफेस्ट एग्जामिनेशन टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक मेरा देखा गया है वन टू फाइव में जो कि नाइन्थ से टेंथ अलेवेंथ से ट्वेल्थ वालों का अभ्यर्थों की संख्या कम थी इनका क्वेश्चन लेवल इनसे to, इससे कम है अब यहाँ पर एक या दोनों के लिए, सभी लोग चांसेज है बब्लू गुप्ता जी फीमेल में आपका चांसेज है और बट आप मेरा मैसेज नहीं देखे ओके okay, कौन सा मैसेज नहीं देखा हूँ यस मनी पांडे जी में आपका मैसेज फाइंड करने एक बार आप दोबारा मैसेज कर दीजिएगा कॉपी पेस्ट मैं देख लेता हूँ रोल नंबर सही है सर लेकिन बुकलेट नंबर डी नहीं लिखा है तो मैंने आपको बताया सर गोला इसमें एट्टी परसेंट चांसेस है कि आपका कोई सूज नहीं होगा लेकिन अगर डिपेंड करता है वो, वो तक किस तरह से कहां सुख कोई राहुल सिन्हा सर यू आर से फिफ्टी टू में हो पाएगा चांसेजर में डेट निकल चुका है ऑब्जेक्शन के बाद तीन से चार नंबर आपका बढ़ता है तो आपका और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं ज्यादा लंबी बनने में इससे कोई फायदा नहीं थैंक यू सो मच हैव नाइस डे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेलगढ़ दबा लीजिएगा साथ ही जो लोग आपका प्रिपरेशन करना है बी वाले के लिए उनका मौका ऑलरेडी निकल चुका है एक हाथ से लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में आपको सिक्स टू एट का वैकेंसी देखने को मिलेगा नाइन से टेंथ अलेवेथ से ट्वेल्थ का स्टेट जिन्होंने दिया है उनके लिए और भी गोल्डन अपर्चुनिटी सीटों की संख्या वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी तो वो लोग अपना तैयारी ते, शुरू कर दिएगा एस का सभी लोग का पी प्ले बना हुआ है और टेलीग्राम में पी फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है फाइल सेक्शन में जाकर के आप ले सकते हैं फाइल सेक्शन में जाकर के आप वहां से फायदा उठा सकते हैं थैंक यू